हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे BPCL के बारे में, जो कि लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अब बढ़िया सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और साथ में दिग्गज इन्वेस्टरों की ओर से बड़े टारगेट भी निकल के आया है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो रिसेंटली क्वार्टर टू के नतीजे थे वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अच्छा खासा फंड भी रिसेंटली राइज किया है, तो खबरें भी काफ़ी शानदार है, बढ़िया लेवल पर भी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्या पॉसिबल मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर भी हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज को ना भूले, और चैनल बनाया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी प्राइम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और जो टारगेट्स निकल गया है दिग्गज ब्रोकरेज की ओर से वो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है, और ये टारगेट आज ही निकल के आया है मोतीलाल ओसवाल की ओर से। 605 रुपये का टारगेट सजेस्ट किया है BPCL के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने, और ये टारगेट ऐसे ही नहीं आते फ्रेंड्स। इसके पीछे भी काफ़ी कुछ एनालिसिस रहता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये टारगेट देखकर आपको BPCL में टूट पड़ना है। आपको सही लेवल का इंतजार करना है और सही लेवल पे ही माल दबोचना है। तो क्या सही लेवल रहेगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरे दिग्गज ब्रोकरेज ने भी टारगेट दिया है BPCL के ऊपर, वो 510 रुपये का टारगेट दिया है MK ग्लोबल ने। तो दो बड़े दिग्गज की ओर से बड़े टारगेट निकल के आए हैं फ्रेंड्स। और अगर मैं आज के कारोबार की सिचुएशन की बात करूँ तो जो आज का कारोबार रहा था वो भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो आज हमें 1.65 रुपये की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 416.15 रुपये पे, और ओपनिंग नजर आई 418 रुपये पे। 2 रुपये का गैप अप ओपनिंग हाई बनाया 420 रुपये का, और लो देखने को मिला 414 रुपये का, यानी ऑलमोस्ट हमें डे लो के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिले है। और डेलवर परसेंटेज की बात करें तो जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 52,58,000 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डेलबल क्वांटिटी की बात करें तो 31,22,000 शेयर्स की डेलबल क्वांटिटी। डेलवर परसेंटेज देखें फ्रेंड्स तो 60% के आसपास के डेलवर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो जितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो खरीदारी तो काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के पॉसिबल मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं BPCL का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है, और यहाँ पे कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है। और देखा जाए फ्रेंड्स तो बढ़िया सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है BPCL। आप देख सकते हैं 414-415 के आसपास का बढ़िया बेस है, जहाँ से हमें पिछली बार भी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल चुके हैं, और अब फिर से वही लेवल पे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप 400 रुपये के SL के साथ प्ले करेंगे तो फ्रेंड्स आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो पहला टारगेट 430-432 का, और दूसरा टारगेट 450 और 470 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं BPCL में। तो फ्रेंड्स बढ़िया मौका है, बढ़िया बेस पे खड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर SL के साथ फ्रेंड्स पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा, 400 रुपये का प्रॉपर SL लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ से और थोड़ा बहुत नीचे आता है 410 के आसपास तो आप डेफिनेटली पोजीशन बना ही सकते हैं, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो काफ़ी शानदार रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने पोजीशन बना के रखी है तो डेफिनेटली होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये बढ़िया मौका हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आपने ऊपरी लेवल पे भी पोजीशन बनाई है 470-500 रुपये के आसपास तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो एवरेज करेंगे उसका प्रॉपर SL डेफिनेटली लगा के ही एवरेज करें। आपके रिस्क के हिसाब से फ्रेंड्स आप SL लगा के ही एवरेज करें, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है, बढ़िया बेस पे खड़ा है BPCL, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ से रीबाउंस आपको देखने को मिलना चाहिए। तो इन लेवल को वॉच आउट कर अपना स्टडी कंडक्ट कर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।